नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, एलोकेन्स। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलो अल्केन्स का मतलब क्या है सर? हमारे पास कोई भी नेचुरल कंपाउंड है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जनरल कंपाउंड है, सबसे पहले हम समझते हैं रिएक्शन को। रिएक्शन क्या होती है? तो रिएक्शन के अंदर सर एक तो होता है हमारे पास सबस्ट्रेट, क्या होता है सबस्ट्रेट। सेकेंड थिंग इज रिएजेंट, सेकेंड थिंग होती है सर हमारे पास रिएजेंट। इनके ऊपर वर्क करता है कैटलिस्ट, एंड द लास्ट एंड वन इज प्रोडक्ट। लास्ट में हमें क्या मिलता है बेटा? प्रोडक्ट मिलता है। तो सब्सट्रेट जो होता है, सब्सट्रेट क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। क्या होता है? रिएक्टेंट। रिएजेंट, रिएजेंट जो हम इसके अंदर ऐड करवाना चाहते हैं, जो चीज इसके अंदर ऐड हो सकती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिएजेंट। कैटलिस्ट जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन रिएक्शन को फास्ट या स्लो करने का काम करता है, या फिर बॉन्ड ब्रेकिंग के काम आता है कि ओल्ड बॉन्ड्स को ब्रेक करता है और न्यू बॉन्ड्स को फॉर्म करता है। एंड द लास्ट वन इज प्रोडक्ट, जो हमें चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल एलो अल्केन्स बना रहे तो यहाँ पे लास्ट में प्रोडक्ट क्या आएगा? एलो अल्केन्स आएगा। अभी हम कई तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे हम आर ओ एच से बना सकते हैं, आर एच अल्केन से बना सकते हैं, या फिर हमारे पास बेटा और भी बहुत से जैसे आर सी ओ ओ एच से बना सकते हैं, आर सी ओ ओ ए जी से बना सकते हैं, फिनोल से बना सकते हैं, एलोरिन्स, और भी बहुत से ऐसे रिएजेंट्स हैं जिनसे हम किस चीज को प्रिपेयर कर सकते हैं? एलो अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको क्या है? सब्सट्रेट भी पता है, प्रोडक्ट भी पता है, पता क्या नहीं है? रिएजेंट और कैटलिस्ट नहीं पता है सर। अगर हमें रिएजेंट और कैटलिस्ट का पता चल जाए ना तो पूरी रिएक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। क्लियर है? तो हमें जरूरी क्या है पता होना? एक तो रिएजेंट, एक कैटलिस्ट। सब्सट्रेट आपको गिवन होगा, नहीं तो आपको सब्सट्रेट पता करना है, और साथ में क्या है बेटा हमारे पास? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपको पता होगा क्या बनाना है। हम ना इन सारी चीजों के बीच में आता है एक प्यारा सा पॉइंट जिन्हें हम बोलते हैं नेमिंग रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? नेमिंग रिएक्शंस का क्या मतलब होता है कि कोई आपने पर्टिकुलर रिएक्शन करी, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन करी, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को सबसे पहले किसी साइंटिस्ट ने किया होगा और उस साइंटिस्ट ने अपने नाम पे उस रिएक्शन को लिख दिया, तो उन्हें बोलते हैं हम नेमिंग रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? तो नेमिंग रिएक्शंस जनरली बहुत बार आती हैं, तो नेमिंग रिएक्शंस आपको अलग से क्या करनी है? याद रखनी। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे हम हेलो अल्केन्स को प्रिपेयर करने का, तो बाय हेलोजिनेशन। सबसे पहला मेथड क्या है? बाय इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, कैटलिस्ट और हीट। तो ध्यान से देखो, बाय हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो सर यहाँ पे हमें सबसे पहली मोटा मोटी बात समझ में ये आई कि किसकी करवानी है हमें? अल्केन्स की करवानी है। किसकी करवानी है? तो अल्केन्स क्या हो गया हमारे पास? सब्सट्रेट हो गया। अल्केन्स क्या हो गया? अच्छा, क्या करवा रहे हैं? हेलोजिनेशन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? तो जो हेलोजन है बेटा वो हमारा क्या हो गया? रिएजेंट हो गया। क्या हो गया? अच्छा, किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं बेटा? लाइट या फिर हीट की प्रेजेंस में। ये चीजें हमारी क्या होगी बेटा? कैटलिस्ट होगी। लास्ट में मिलेगा क्या बेटा हमें? हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन हमारा क्या हो गया बेटा? प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है क्या? तो ये इस तरीके से चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो रिएक्शन आप कर लोगे, बीच में एक पॉइंट आता है मैकेनिज्म, कि मैकेनिज्म क्या होगा, कि किस तरीके से होगी रिएक्शन। ये मैकेनिज्म समझना भी क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आगे समझ लो। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर हमारे पास लाइट या फिर लाइट या फिर हीट है, लाइट को हम डिनोट करते हैं एच न्यू से। किससे डिनोट करते हैं?
एच न्यू से डिनोट करते हैं। एच न्यू की प्रेजेंस में हमारे पास जो मैकेनिज्म फॉलो होता है दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एक तो होता है कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बन एनायन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और एक कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया और क्या बना लिया, फ्री रेडिकल्स बना लिया। क्या बना लिया? फ्री रेडिकल्स। तो इसी तरीके से यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या हैलोजन है, क्या है हैलोजन, क्या होगा, कैसे इसके फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे एक बॉन्ड ये रही, एक बॉन्ड ये रही, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा। जैसे हम सनलाइट का यूज करेंगे ये क्या बना लेगा, रेडिकल बना लेगा, और ये भी क्या बना लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके रेडिकल बना लेगा। इसी तरीके से मीथेन है, मीथेन के अंदर क्या है, सी एच थ्री के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये अपना एक रेडिकल बना लेगा और ये भी अपना एक रेडिकल बना लेगा। क्लियर है बेटा? ध्यान से देखो किस तरीके से रिएक्शन होगी। यहाँ पे है हमारे पास, हम जनरल एग्जांपल लेके चल रहे हैं सी एच फोर का, इसकी क्या करवा रहे हैं, हेलोजिनेशन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर हीट। क्लियर? तो अभी अभी हमने पता किया यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, सी एच थ्री का रेडिकल और H का रेडिकल, सी एल रेडिकल, सी एल का रेडिकल। यहाँ पे सर सी एच थ्री रेडिकल सी एल रेडिकल के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, और H रेडिकल बेटा सी एल रेडिकल के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, सी एच थ्री सी एल दैट इज आर एक्स, और साथ में क्या मिलता है हमें। क्लियर है? अब जरूरी नहीं है सी एच थ्री सी एल के साथ ही कर सके, सी एच थ्री के साथ भी कर सकता है, एच एच के साथ भी कर सकता है। सी एल जो है वो सी एच थ्री के साथ कर रहा है, सी एच टू के साथ कर रहा है, यहाँ पे सी एल के साथ भी कर सकते हैं। क्लियर है? और सी एच थ्री सी एल के साथ तो कर ही रहा है। तो सर ये जो ना प्रायोरिटी जो होती है ना, इन दोनों की प्रायोरिटी क्या होती है, कम होती है। इन दोनों की प्रायोरिटी क्या होती है, कम होती है। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट हमें कौन सा मिलता है, सी एच थ्री सी एल और हाइड्रोजन और सी एल, ये दोनों प्रोडक्ट हमें क्या करते हैं, सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्लियर है? आगे क्या समझ में? अब ध्यान से देखो ये जो रिएक्शन होती है ना, ये काफी ज्यादा फास्ट होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन यहाँ तक हो गई और अब हमारे पास सनलाइट खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो सर ये जो रिएक्शन है हमारे पास सी एच थ्री सी एल बना है, अभी भी हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एनवायरनमेंट में हैलोजन गैस प्रेजेंट और साथ में क्या प्रेजेंट है, सनलाइट। ये फिर से रिएक्शन करते हैं सर, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है तो सी एच थ्री का रेडिकल, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रेडिकल अलग हो गया, यहाँ पे एक सी एल रेडिकल अलग होगा, एच और सी एल मिलकर क्या बनाएंगे, एच सी एल। एक हाइड्रोजन क्या बच्चे, कितने हाइड्रोजन, सी एच टू, और ये क्या आ जाएगी, क्लोरिन आ जाएगी, सी एच टू सी एल टू। अब ये आ गया सर, यहाँ पे भी रिएक्शन रुक जाएगी क्या, नहीं सर, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, हैलोजन है और क्या है, एच न्यू है, फिर से क्या जाएगा, हाइड्रोजन बाहर जाएगा, यहाँ से क्लोरीन बाहर जाएगा, क्या बनाएगा, एच सी एल, और यहाँ पे क्या बनेगा, सी एच सी एल थ्री, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगर यहीं पे आयोडीन होती तो क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म। अब सी सी एच सी एल थ्री, क्या यहाँ पे रिएक्शन रुक जाएगी सर, नहीं सर, यहाँ पे भी हमारे पास क्या हुआ, सी एल टू इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, और क्या बनाएगा, सी सी एल फोर प्लस में एच सी एल। क्या यहाँ पे आगे फर्दर रिएक्शन हो सकती है, नहीं सर, हाइड्रोजन तो क्या हो गए, खत्म हो गए। अब जो रेडिकल बनाएंगे वो क्लोरीन के ही बनाएंगे, और यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन। तो यहाँ पे आगे रिएक्शन क्या होती है, स्टॉप होती है, और ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का क्या नाम है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या है बेटा, कार्बन चार है मतलब टेट्रा, और क्या चीज है, चार क्लोराइड। क्लियर है क्या? ये हमारे पास कंप्लीट हैलोजिनेशन किसकी, अल्केन्स। क्लियर है क्या समझ में? तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, अल्केन्स था, रिएजेंट क्या है, हैलोजन है, कैटलिस्ट क्या है, सनलाइट है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, मिलता क्या है, आरएक्स, और साथ में एक साइड प्रोडक्ट। क्लियर है बेटा? ये रिएक्शन आगे फर्दर होती जाती है, इसीलिए हमने इस रिएक्शन को फर्दर आगे दिखाया है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास, बाय हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स विद एच एक्स।
तो अल्केन्स के बारे में पता है क्या आपको कुछ? कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अल्केन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अल्केन्स की रिएक्शन करवा रहे हैं, हैलोजिनेशन करवा रहे हैं। हैलोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं? विद करवा रहे हैं एच एक्स, इसके साथ करवा रहे हैं, एच एक्स के साथ। एच एक्स मतलब हाइड्रोजन एसिड, फॉर एग्जाम्पल एच सी एल हो गया, एच बी आर हो गया, क्या होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमाइड एसिड। अब ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे जब हम रिएक्शन करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ, तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग का काम होता है। सबसे आसान बॉन्ड कौन सी टूटेगी? सबसे पहले कौन सी बॉन्ड टूटती है? पाई बॉन्ड टूटती है, उसके बाद कौन सी टूटती है? सिग्मा। यहाँ पे पाई बॉन्ड तो यही पे सर, ये वाली बॉन्ड क्या होगी? ब्रेक होगी। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसमें से एक के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा सर, यहाँ पे हमारे पास क्या है? एच और एक्स है, तो एच और एक्स है, एच के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। एक्स के ऊपर कौन सा है? तो नेगेटिव वाला कौन से पे जाएगा? पॉजिटिव वाले पे। पॉजिटिव वाला कौन सा जाएगा? नेगेटिव वाले पे। यहाँ पे हमारे पास सी एच थ्री, एक बॉन्ड तो ब्रेक होगी, बची कितनी बॉन्ड है? एक सी एच, यहाँ पे सी एच टू होगा ना, डबल बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखी है, दो बॉन्ड तो येरी और दो बॉन्ड येरी, चार बॉन्ड वैलेंसी कंप्लीट, क्लियर है। अब सी एच टू, सी एच टू सिंगल बॉन्ड बची है, क्या कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है? नहीं सर, कार्बन ने एक तो सिंगल बॉन्ड यहाँ बना रखे, दो इसके साथ बना रखे, तीन, चौथे किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। और ये चौथे किसके साथ बनाएगा? एक्स के साथ, दिख रहा है ना यहाँ पे एक्स। और इससे क्या बन रहा है हमारे पास? आर एक्स बन रहा है। क्या बन रहा है? आर एक्स, क्लियर है, आ गया समझ में। इसी तरीके से हमारे पास कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन यहाँ पे हम एच एक्स को ऐड करवा रहे हैं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ये वाली बॉन्ड क्या होगी? ब्रेक होगी। एक के ऊपर पॉजिटिव, एक के ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव वाले पे कौन सा आएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव वाले पे कौन सा आएगा? दैट इज एच पॉजिटिव, क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? सी सी हाइड्रोजन कार्बन एक्स और कार्बन, क्लियर है, दैट इज आर एक्स, आ गया समझ में। ये जो सारी बात है ना सर, अब ध्यान से सुनना बेटा, ये काफी इम्पोर्टेंट, ये सारी की सारी बात हुई है सिमेट्रिक अल्केन के लिए। किसके लिए हुई है? बट क्वेश्चन इज दैट, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिक अल्केन आ गई तो क्या आ गई? तो अनसिमेट्रिक अल्केन के अंदर हम देखेंगे अनसिमेट्रिक अल्केन का मतलब क्या है बेटा, कि हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अक्रॉस जो नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या है? अलग अलग है। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, और एक तीन बॉन्ड बना रखी है, सिमेट्रिक होगी क्या? जिस टाइप का हमारे पास क्या है बेटा? कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं HX के साथ, किसके साथ? इन प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड क्या होगी? अब क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा या फिर इस पे आएगा? कौन से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा? वाई, देखो ध्यान से, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रही है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ रही है। क्या तो हमारे पास इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और इस वाले कार्बन पे नेगेटिव, या फिर इस वाले कार्बन पे क्या आ जाए? पॉजिटिव चार्ज आ जाए और इस पे कौन सा आ जाए? नेगेटिव। अब ध्यान से सुनना, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो इसे बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन बोलते हैं। और अगर कार्बोकैटायन, अगर ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये एक कार्बन से कनेक्टेड है तो इसे बोलते हैं वन डिग्री कार्बोकैटायन।
दो से कनेक्टेड है तो 2 डिग्री, तीन से कनेक्टेड है तो, और चार से कनेक्टेड है तो 4 डिग्री कार्बोकोटाइन ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 3 डिग्री, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकोटाइन, यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक से ही कनेक्टेड है, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकोटाइन। ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 2 डिग्री वाला। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आना चाहिए, इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव इस पे, तो नेगेटिव वाला किस पे जाएगा, इस वाले कार्बन पे, और पॉजिटिव वाला किस पे जाएगा, इस वाले कार्बन पे। तो यहाँ पे हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमारे पास, कार्बन कार्बन है 107 में कार्बन, और इसके ऊपर क्या आ गया, हाइड्रोजन, क्लियर है, आइए समझ में। इसे हम मार्कोनी का रूल ऑफ एडिशन भी बोलते हैं, ये जो हमने पढ़ा है ना अभी अभी, आगे फिर से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने मेंशन भी कर रखा है। मार्कोनी का रूल ऑफ एडिशन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, मार्कोनी का रूल ऑफ एडिशन। मार्कोनी का रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू दैट कार्बन, विल अटैच टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, विच हैज लेस नंबर ऑफ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखी है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, CH2 आएगा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तीन बॉन्ड बना रखे, तो इस पे क्या आएगा, H आएगा। कम हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है, तो इसके ऊपर कौन सा पार्ट आएगा, नेगेटिव पार्ट, क्लियर। और दूसरे पे कौन सा जाएगा, आगे समझिए, क्लियर। तो कार्बोकोटाइन मैकेनिज्म होता है, और रूल कौन सा लग रहा है, मार्कोनी का रूल, और इस तरीके से क्या होती है, रिएक्शन, क्लियर है क्या। नेक्स्ट जो रिएक्शन है सर हमारे पास वो है होम्स-डीकर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, होम्स-डीकर रिएक्शन। तो ये हमारे पास क्या आ गई, नेमिंग रिएक्शन आ गई, क्या आ गई, नेमिंग रिएक्शन। तो द होम्स-डीकर रिएक्शन इज एन इंस्टेंस ऑफ अ हैलोजिनेशन रिएक्शन। होम्स-डीकर रिएक्शन क्या होता है, कि एग्जांपल होता है हैलोजिनेशन रिएक्शन का, विच इन्वॉल्व्स एन ऑर्गेनिक बिटवीन सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें क्या होता है, एक सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है एंड हैलोजन, और एक हैलोजन होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड्स। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है हमारे पास, आर सी डबल बॉन्ड OH, OH को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर मैं H को हटा के क्या लगा दूं, सिल्वर लगा दूं, क्या लगा दूं, तो इसे बोलते हैं हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, हैलोजन के साथ। हैलोजन कौन सा लेते हैं बेटा, यहाँ पे हम ब्रोमिन कौन सा लेते हैं, अब ब्रोमिन है सर, तो ब्रोमिन है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, एक तो हमारे पास ध्यान से सुनना बेटा, एजी, एजी के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एजी के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, बीआर के ऊपर कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये मिलके क्या बनाते हैं बेटा, एजीबीआर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एजीबीआर। अब एजी अलग हो गया, एजी क्या हो गया, बीआर भी अलग हो गया, बच्चा यहाँ पे हमारे पास COO, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ये जो होता है बेटा ये गैसियस फॉर्म में क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है, दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बचा क्या हमारे पास, R पॉजिटिव, क्या बचा बेटा, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, एक ब्रोमीन बचा हुआ है, वो मिलके क्या बनाते हैं, आर बी आर, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक हैलाइड या फिर हेलो अल्केन्स, क्लियर है क्या। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, होम्स-डीकर रिएक्शन। तो अगर आपको इसमें सिंपल इस तरीके से नहीं दिया होता, आपको इस तरीके से दिया होता है आर सी ओ ओ ए जी प्लस में बी आर टू दैट इज कन्वर्टिंग इन टू ए जी बी आर प्लस सीओ टू एंड प्लस आर बी आर, इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ और साथ में ए जी है और साथ में क्या है बी आर टू है। बी आर के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ए जी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ए जी बी आर, और ये जो पार्ट है ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आर के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, बी आर के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, मिलके क्या बनाएंगे, आर बी आर, दैट इज अवर मेन प्रोडक्ट। बीच में क्या आएगा, कैटलिस्ट, और रिएजेंट क्या है, ब्रोमिन।
प्रोडक्ट क्या है आरबीआर, सब्सट्रेट क्या है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है क्या, समझ आ गया? रिएक्शन का क्या नाम है? उन्स्टिगर रिएक्शन। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है सर एलाइलिक हेलोजिनेशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एलाइलिक हेलोजिनेशन। तो एलाइलिक हेलोजिनेशन क्या होती है सर हमारे पास? अच्छा एलाइल ग्रुप याद है क्या आपको? क्या होता है एलाइल ग्रुप? कार्बन है, कार्बन हेलोजन के साथ अटैच है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? और ये किसी ऐसे कार्बन के साथ कनेक्ट है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो sp2 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे सर डबल बॉन्ड है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये किस कार्बन से कनेक्ट है? इस कार्बन से कनेक्ट है, और इसके ऊपर क्या है? दो हाइड्रोजन से, दो क्या है? क्लियर है? तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? एलाइलिक ग्रुप बोल रहे हैं। इसकी क्या करवाएंगे? हम एलोजिनेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे बेटा? एलोजिनेशन करवाएंगे। तो एलोजिनेशन करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एलाइलिक हाइड्रोजन क्या होगा? बाहर होगा, और यहाँ पे हमारे पास इस वाले कार्बन पे क्या आएगा? एलोजन आएगा। क्या आएगा? एलोजन आएगा। सॉरी, और साथ में हमारे पास क्या जाएगा? एच एक्स जाएगा। अब ध्यान से देखो, जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन का है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है, और वो किसी ऐसे कार्बन से कनेक्ट है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक। क्लियर है क्या? तो एलाइलिक हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? एलाइलिक हैलाइड बनाना। क्या बनाना? एलाइलिक हैलाइड बनाना। क्लियर है बेटा? आ गया समझ में? दैट इज एलाइलिक हैलोजिनेशन। क्लियर है क्या?